नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया भर में सबसे ज्यादा विख्यात भगवान की सवारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ चुका है। क्या है भगवान जगन्नाथ की महिमा, रथ यात्रा का महत्व क्या है और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, आज के कार्यक्रम में इसको जानेंगे। कार्यक्रम में आपको बताएंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप और सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, चंद्रमा बुध और शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन हैं और ये रथ यात्रा क्या है। देखिए, जगन्नाथ का मतलब होता है जगत और नाथ को मिला करके बना है जगन्नाथ। तो जो जगत के नाथ हैं उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है। उड़ीसा की पुरी ही इनकी लीला भूमि है और उड़ीसा की पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक श्री जगन्नाथ जी हैं, भगवती राधा और भगवान कृष्ण के संयुक्त प्रतीक हैं भगवान जगन्नाथ, और भगवान कृष्ण भी उनका एक अंश माने जाते हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा, इनकी काष्ठ की मूर्तियां, लकड़ी की अर्ध निर्मित मूर्तियां स्थापित हैं और इनका निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने कराया था। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और ये रथ यात्रा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है
क्योंकि रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार जन सामान्य के बीच में जाते हैं, और चूंकि साल में एक बार भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में जाते हैं, इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और ये रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। रथ यात्रा में मुख्यतः तीन रथ होते हैं। सबसे आगे का जो रथ है उसे ताल ध्वज कहते हैं। ताल ध्वज पर श्री बलराम रहते हैं। उसके पीछे दूसरा रथ होता है पद्म ध्वज। इस रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है, और अंत में जो रथ होता है उसे गरुण ध्वज कहते हैं या नंदी घोष कहते हैं। इस रथ पर स्वयं भगवान जगन्नाथ विद्यमान रहते हैं। तो सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में माता सुभद्रा का रथ, और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता रहता है। रथ यात्रा की विशिष्टता क्या है, शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख प्राप्त होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, नया कारोबार शुरू होगा, प्रेम के मामले आपके हल होंगे, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि रथ यात्रा का विशेष महत्व शास्त्रों में क्या बताया गया है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है उसमें शामिल होता है और गुंडीचा नगर तक जाता है वो पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। यानी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होकर कीर्तन करना आपको मुक्ति दिला सकता है। जो कोई व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ
रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान का कीर्तन और भगवान के सानिध्य में रथ यात्रा करना ये आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। रथ यात्रा का अगर आप दर्शन कर लें या केवल रथ यात्रा में अगर भाग ले लें तो संतान संबंधी सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में यानी पूरी जाकर के रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते तो देश के अलग अलग कोनों में इस समय रथ यात्रा निकाली जाती है। किसी भी रथ यात्रा में आप भाग ले सकते हैं। और अगर ये भी संभव नहीं है, इतना भी नहीं कर पाते, तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें और भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं। ऐसा करना आपके लिए लाभकारी होगा। तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जहां भी रथ यात्रा निकले उसमें शामिल हों, और अगर ऐसा न कर पाए तो अपने घर पर ही भगवान जगन्नाथ की पूजा आपको करनी चाहिए। अपने घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा उपासना कैसे करेंगे यह आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, कोई बड़ा निर्णय फिलहाल ना लें, संयम से इस समय काम लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके बेहतरी होगी, कारोबार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर आप रथ यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने घर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा कैसे करेंगे। देखिए, घर के पूजा स्थान पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र यानी श्री बलराम और माता सुभद्रा का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करिए। उन्हें सात्विक भोग लगाइए, भोजन बनाइए, उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे और भोग में तुलसी दल जरूर डालिए। इसके बाद
भगवान जगन्नाथ की स्तुति करिए या हरि नाम का कीर्तन करिए या महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन करिएगा। और सात्विकता इस दिन पूरे घर में रहनी चाहिए, पूरे घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा, सात्विक भोजन बनेगा और घर के सारे लोग कीर्तन करने के बाद पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे और भगवान जगन्नाथ से कृपा करने की प्रार्थना करेंगे। तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को निश्चित रूप से घर घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा होनी चाहिए और भगवान का कीर्तन होना चाहिए, इससे हम सबका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, कीमती सामान खो सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, यात्रा का योग बन रहा है, धन का आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आपके लिए और आपके घर के लिए वास्तु टिप। घर में पूजा का स्थान इस प्रकार से बनाइए कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो या पश्चिम की तरफ हो। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बिल्कुल पूजा मत करिएगा। पूजा करते समय पूर्व या पश्चिम की दिशा की तरफ चेहरा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 7 जुलाई रविवार को प्रातः काल रोली मिला हुआ जल भगवान सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उसको अपने मस्तक पर लगाइएगा। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो भगवान जगन्नाथ की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़।
टुडे। नमस्कार।